भूत सच में होते हैं? ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसको मरने के बाद भी कहते हैं ना कि मरने के बाद भी इसको हम चैन नहीं लेने देंगे। एकदम से जैसे होता ना एक झटका लगता है, एकदम से आई फेल्ट जैसे समथिंग पुश्ड मी बैक। कॉन्जरिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जो हमारे इतने प्रचंड मंत्र हैं, उनके आगे तो कोई ठहर ही नहीं सकता। मांस के टुकड़े नहीं होते लाइक वो जो बाबा जी बैठे थे उनके, हाँ वो एकदम से पीसेस में हो गए। बिलीव मी, यू कॉल मी आफ्टर डूइंग दिस। बोलते कि मैम रात को ना आवाज आती है इसमें, दरवाजा खुलने की और बंद होने की। तो जैसे मैं अंदर गई तो दे हैड वेरी ओल्ड आयरन का गेट, रस्टेड गेट। व्हेन आई सॉ द गेट इट वाज टेलिंग इटसेल्फ लॉट ऑफ स्टोरी। गेट ही स्टोरी बता रहा था उनकी कि अंदर क्या है। ब्लडी मैरी ना, हम कुछ नहीं पता था ये क्या है, कहां से आई और आईने इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही डार्क और टेंस होने वाला है। कमजोर दिल वालों को मेरी नसीहत रहेगी कि इस पॉडकास्ट को अवॉइड करें। आपने अपनी पूरी जिंदगी में जिनसे भी बात की होगी, जिन लोगों को भी जानते होंगे, आप खुद भी, ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी आपने घोस्ट, भूत या प्रेत के बारे में नहीं सुना होगा। स्पिरिचुअल टॉक्स क्या होती हैं, आत्माओं से बात करना क्या होता है, हम सब ने सुना है। कॉन्जरिंग मूवी हम सब ने देखी है, बट एक रियल कॉन्जुरर क्या होता है, वो किस तरह की परिस्थितियों में काम करता है, ये सब कुछ जानने का हम आज प्रयास करेंगे। आज जिस शख्सियत, जिस हैसियत को हमने स्टूडियो में बुलाया है, उन्हें हम कॉन्जुरर क्वीन के नाम से जानते हैं। पता नहीं कितनी सारी आत्माओं से बात करी है, कुछ बहुत अच्छी, कुछ बुरी, लेकिन कुछ बहुत बुरी। मैं बहुत थ्रिल्ड फील कर रहा हूँ आज कि आज मैंने लीना यशपाल मैम को अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा लीना यशपाल मैम का। लीना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपके आने से पहले से भी हम सब ये सोचते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं कि भूत होते हैं, किसी ने देखा होता है, कई सारी कहानियां हैं। तो पहले तो मुझे इतना समझा दीजिए कि भूत सच में होते हैं। देखिए, आपकी बात सच है, हम बचपन से ये शब्द सुनते हुए बड़े हुए हैं, और लेकिन कंफ्यूजन रहता था पहले। बचपन में मुझे भी कंफ्यूजन था टिल आई केम अक्रॉस देम। राइट, जब मैं ये काम में नहीं थी, लाइक इट्स मोर देन टू डिकेड्स आई एम इनटू दिस, इनटू कंज्यूरिंग, इनटू वुडू प्रैक्टिसेस। नाउ आई हैव सीन, नाउ आई कैन से यस दे डू एग्जिस्ट। ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बड़े टाइप के होते हैं। हर कॉन्टिनेंट के जो ये स्पिरिट्स कह लो आप, हर रिलीजन में इनका नाम अलग है, पर ये चीज एक ही है। इधर भूत कह लो आप, हमारे मुस्लिम मोहम्मदन कल्चर में जिन कह लेते हैं, कोई चुड़ैल कहता है, कोई कुछ कहता है, बट एट इन द नटशेल इफ यू आस्क मी इफ डू दे एग्जिस्ट, यस दे डू एग्जिस्ट। स्पिरिट जो होती है, एक नॉर्मल जब स्पिरिट हम ड्यूरिंग डेथ स्पिरिट रिलीज होती है, दैट इज डिफरेंट। Any spirit which is not getting gati and which is not reaching to the destination and the process of the salvation, then that becomes ghost. People call it ghost, chudail, bhoot, and yes, there are many types of bhoots, you can say. Instead of using this word bhoot, let us call it some that kind of entity which is lost. Lost its way. मिल नहीं रहा अपने, गति नहीं मिल रही, गति नहीं मिल रही। उसके भी reasons हैं। Sometimes गति नहीं मिल रही किसी भी reason से, there are many reasons for that. कई बार क्या होता है, वो खुद ही salvation में नहीं जाना चाहती, because they have some undone purposes,
जिसके लिए वो जाना ही नहीं चाहती है, उस रूप को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है, फिजिकल फॉर्म उस जगह को भी नहीं छोड़ के जाना चाहती है, और बिकॉज एंड दे गेट अटैच टू दैट टिल दे डू दैट पर्टिकुलर पर्पस, और पर्पस कोई भी हो सकता है, वेदर दे आर अटैच टू सम फैमिली मेंबर, सम दोस्त, कोई परिवार का, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पेट भी हो सकता है, तुम इतने ज्यादा उससे प्यार करते हो और ऐसे बिछड़ गए, आप जल्दी टाइमली या अनटाइमली चले गए, बट समटाइम यू डोंट वॉन्ट टू गो, बट दैट दीज मैसेंजर्स कम एंड दे टेक यू, सो यू आर आप अगर ये सोच रहे हो, देखो सौरभ जी मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मर जाएगा और सालवेशन मिल गई, आत्मा तो मुक्ति प्राप्त हो गई, हमने सब क्रिया कांड कर लिए, सब जो पिंड दान होते हैं बड़ा कुछ होता है हमारे हिंदू कल्चर में, हम सोचते हैं कि हाँ हमने अपनी ड्यूटीज कर दी एंड दैट पर्सन इज नाउ, सोल इज नाउ इन कंप्लीट सालवेशन, पर ऐसा नहीं है, सोल के भी हाथ में होता है कि क्या वो पाना चाहती है, अगर वो अटैच्ड हो रही है बार 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 तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स उसको भी हमें बड़े तरीके से उसको मुक्ति दिलानी पड़ती है, लेकिन जो नहीं, हाँ एक चीज और, एक ये साइड है उसकी मुक्ति ना पाने की और घोस्ट बनने का, एक अगर वो भी अगर टाइमली चली जाए अपना काम करके तो स्टिल विद इन वन ईयर ऑफ आफ्टर द डेथ, अगर उससे पहले बिफोर लाइक 10-11 महीने कह लो मैक्सिमम, तब तो ठीक है, अगर वो जाना ही नहीं चाह रही है, और समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर बॉडी को, उस इंसान को मरने के बाद भी कहते हैं, इसको मरने के बाद भी कहते हैं ना, कि मरने के बाद भी इसको चैन नहीं लेने देंगे, सो दे डू सर्टन थिंग्स विद द बॉडी, चाहे वो आप उसकी जब हम कपाल क्रिया होती है उसके बाद कहते हैं ना लोग जल्दी चुन लो फूल, बिकॉज देर आर पीपल हु मिस यूज इट, वेदर विद सम पर्टिकुलर मोटिव और वेदर फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल एंड्स, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो भी हो सकता है, कई बार कुछ ऐसे उसके मरने के बाद उसके शरीर के साथ या उसके जो हम गंगा जी में बहाते हैं उन चीजों के साथ भी अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो भी ये चीज उनको डिस्टर्ब करती है, जो भूती आत्माएं ही है लेकिन किसी ना किसी मीडियम से डिस्टर्ब हो गई या खुद डिस्टर्ब रहना चाहती है। नहीं देखो, खुद कोई डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता है, हम इंसान ही तो है जो स्पिरिट के रूप में जाते, व्हाट वी आर नाउ इन अ बॉडी फॉर्म दे आर विद नॉन फिजिकल फॉर्म, बट देयर माइंड, देयर एवरीथिंग, देयर इमोशंस आर स्टिल द सेम, यहीं पर तो स्टोरी स्टार्ट होती है, डेथ पर जब इंसान शरीर त्याग देता है, अगर आपकी इच्छाएं नहीं मरती, जो एक हम मटेरियलिस्टिक हमारे माइंड में चीजें चलती हैं, हमारे लव बॉन्ड्स होते हैं, हमारी इमोशंस कह लो होते हैं, अगर वो फिर भी नहीं फिनिश हुए, आप अटैच हो गए एक पर्टिकुलर इमोशन से, आप मान लो अपने घर से ही अटैच हो गए कि ये तो मेरा घर कब बनाया हुआ है, मैं कैसे, मैं पता नहीं अब इसका क्या होगा, लाइक मनी माइंडेड सोल्स भी होती हैं, देन ऑल्सो दे विल हैव प्रॉब्लम, कोई बच्चा है जिससे बिना मिले आत्मा चली गई, सो दैट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब, देर आर सो मैनी एलिमेंट्स, तो सो मैनी सर्कमस्टांसेस, सो मैनी केसेस इन विच कैन डिस्टर्ब द स्पिरिट और अ सोल टू अटेन सालवेशन, एंड वट हैपन देन दे गेट स्टक टू वन प्लेस, ये होता है। और भूत की जो बात है, भूत वर्ड एक बड़ा हार्श वर्ड है, मैं कहूंगी भूत, इट्स नॉट दैट, हर कोई ऐसे नहीं होता, भूत जो आप मूवीज में देखते हो या कल्पना में आप सोचते हो या नेटफ्लिक्स ही ले लो आजकल, सो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, कैसे मतलब, अच्छा ये बुरी और अच्छी क्यों, आत्मा है हमने सुना है, बुरी भी होती है, अब उसको आत्मा कंसीडर करें, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, तो बुरे किस केस में हो जाते, कब आप मतलब, जैसे मान लो आपने मुझे अभी बताया कि उसका भी पर्पस होएगा, कोई किसी चीज से अटैच होना चाहती है, वो पर्पस कभी ना कभी तो फुलफिल होएगा उसका, नहीं भी होता, नहीं भी होता,
तो ये बुरे क्यों हो जाते हैं? आपने एक सवाल अभी मुझसे किया है कि ये क्या बुरे भी होते हैं? अगर आप सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेचर, प्रकृति के साथ हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है, एक एक तत्व धरती का, जल, आकाश, वायु, अग्नि, हर तत्व जो है ये सब नेचर इसी से ही बना है, इवन वी आर मेड अप ऑफ दैट। तो कोई इस चक्र से नहीं बचा है, गुड और बैड, दिन और रात, सर्दी गर्मी, ये है इस वर्ड में भी है, गुड एंड बैड, ऑल कांट बी गुड एंड ऑल कांट बी बैड। देर आर, आपने हिंदी मूवी देखी है भूतनाथ? देखिए, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, समझ आ रही होगी आपको मैं क्या कह रही हूँ। वो अटैच हो जाते हैं ना, फिर भी नहीं जा पाते विद हिज ग्रैंडसन। तो मैं कहूंगी कि दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट, और इसमें आपने देखा होगा, आई एम नॉट हेयर टू गिव माई क्रिटिक कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जिसमें दे टेक रिवेंज, दे गो टू द लोअर लेवल ऑफ द रिवेंज एंड ऑल दैट। तो गुड एंड बैड होती है। आपने मूवीज का नाम लिया। एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज और है। नाउ गुड और बैड में भी फैक्टर्स हैं आगे। बैड बनने के लिए कुछ और भी हो सकता है। समबडी माइट इवन यूज दैट पर्सन सोल टू कि तुम भटकते रहो, तुम उसके बाद भी अपने परिवार को रुलाते रहो, लोगों के साथ ऐसे करते रहो, तुम्हारे परिवार में फिर भी तुम वैसे ही देखे जाओ, यू नो। इसके लिए लोग करते हैं, बुरा करते हैं, दे प्ले विद द बॉडी, प्ले मीन्स दे कुछ ना कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ ले लिया, कुछ उठा लिया उसमें से, पोस्ट डेथ। हाँ, पोस्ट डेथ। सो दीज थिंग्स मैटर। मूवीज की बात करी आपने, हमने सबने देखी होंगी कॉन्जुरिंग, देखी 1, 2, 3, तीनों देखने के बाद समझ में आया कि एनाबेल देखनी जरूरी है। कॉन्जुरिंग, हम आपको कॉन्जुरिंग कॉन्जुरर भी बुला रहे हैं, कॉन्जुरिंग की क्वीन भी बुलाते हैं। पहली बात तो मैम, कॉन्जुरिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? सी कॉन्जुरिंग, एग्जैक्टली कॉन्जुरिंग इज जो आप मूवीज में देखते हो, लाइक जैसे कंज्यूरर आता है, एग्जॉर्सिज्म करता है, और वो एक अलग रूप से दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। कंज्यूरर एग्जैक्टली इज अ रूट वर्कर, रूट वर्कर जो हर्ब्स के साथ, रूट्स के साथ पर्टिकुलर एक स्पेल कास्ट करते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज को ठीक करते हैं, दे आर एक्चुअली कंज्यूरर्स। ब्लैक स्पिरिट्स को निकालना, नेगेटिविटीज को निकालना, इविल स्पिरिट्स को निकालना, एनी एनर्जी विच इज डिस्टर्बिंग सम प्लेस, सम पर्सन, थ्रू हर्ब्स, थ्रू रूट्स, दे आर कंज्यूरर। एंड देयर इज अनदर नेम फॉर दैट विच इज हुडू। इट इज एक्चुअली हुडू। हुडू वर्कर्स आर नोन एज कंज्यूरर्स, एंड इट इज दैट form of spell casting, magic, working with the energies, curing negativity, in which we use certain kinds of blends of oils, and there are two methods in that. We do crossing and uncrossing. Crossing mein we cast hex, jinx spells on somebody, which comes under black magic, like काला जादू। नॉट काला जादू, काला जादू ये थोड़ा लोअर कैटेगरी का हो गया, मतलब ये भी बड़े टाइप के होते हैं। बट इन हुडू वी इधर यू डू क्रॉसिंग, यू आर डूइंग क्रॉसिंग और अनक्रॉसिंग। क्रॉसिंग इज व्हेन वी आर कास्टिंग हेक्स ऑन समबडी, जिंक्स ऑन समबडी, एनी काइंड ऑफ स्पेल टू टेक आउट सम, टू फुलफिल हमारा अपना कोई मकसद हल करने के लिए, जिसमें आ जाएगा टू कास्ट इन पेन, ऐसे वाले।
भूत को पेन देने, भूत को पेन हम कभी नहीं देते हैं। भूत को पेन ये सिर्फ मूवीज में देखते हो आप कि डंडे मार रहे हैं उसको, सब ये हो रहा है कि उसके अंदर भूत है, क्योंकि भूत फिजिकल फॉर्म में तो होता नहीं, उसको हम क्या मारेंगे। हम उसकी उसको डरा सकते हैं, हम उसको कैप्टिवेट कर सकते हैं, समन कर सकते हैं उसको। क्यों डरते हैं भूत? नेगेटिव भूत जो होगा वो हमेशा डरता है। भूत नहीं कहेंगे हम, लाइक वी आर अगेन यूजिंग दिस वर्ड। जो डार्क स्पिरिट्स होती हैं, विच आर पॉजिटिव स्पिरिट्स, दे विल नेवर कास्ट हार्म एंड दे विल नॉट, वो आपको डराएंगी नहीं, और आपको उनके साथ वैसा बिहेव भी नहीं करना होता है, आप कर ही नहीं पाते उनके साथ बिहेव। दे कम इन कंट्रोल, दे यू कैन समन देम इन अ ग्रेसफुल मैनर। जो डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट्स होती हैं, सोल्स होती हैं जो भटक गई हैं, उनके लिए हमारे को हार्शनेस थोड़ी यूज करनी पड़ती है। वो हमारे साम्स होते हैं, हमारे वेद मंत्रास होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं मेथड्स, और डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज होती हैं उसकी। लाइक आई एम अ हिंदू, राइट, आई एम यूजिंग सनातन वे ऑल्सो, वैदिक वे ऑल्सो, तंत्रा ऑल्सो, एंड देन बाइबल से साम्स जो होते हैं, Christianity also, and sometime there are certain kind of kalmas we have to read because we need that to summon. So bulane ke liye summon karna hota hai. Once we summon them and they are with us, then we can cure. इस मुद्दे पे ना मेरे बहुत सारे doubts हैं, questions भी हैं। पहले तो मैं आपके बारे में कुछ पूछूं। आप इस process में कैसे आए? See, I came into a cult. First of all, it is passed on to me through my ancestors. हमारे घर में हमारे ancestral ये वाली जो चीज है किसी ना किसी में आती है, और वो खुद ही चूज करते हैं किसमें आई है, ठीक है। So I got it from my ancestors. Plus, I met so many people, and in fact, I attracted those पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई। मैंने कुछ पढ़ाई भी की, कुछ मुझे ज्ञान, मेजोरिटी ज्ञान मुझे सिद्ध पुरुषों से मिला जो पहले से इन चीजों में थे। दे फाउंड मी दैट यस आई शुड डू, आई शुड गो हैड इन दैट, एंड आई डिड इट, एंड आई वॉज बॉर्न, आई एम बॉर्न फॉर इट नाउ। आपको कैसे फील हुआ पहली बार कि मुझे ये करना है? I'll tell you, when I was one and a half year old, डेढ़ साल, my mother told me, I asked her this question, मैंने कहा ये आप मुझे बताओ कि बचपन में कुछ ऐसा मैंने कुछ किया जिससे आपको लगे कि ये क्या, इसने कुछ ऐसी प्रोफेसी की या कुछ किया जिससे कि आपने, but then she started telling me, I have two brothers. And my mother was not knowing she will have two sons. I told, मेरे दो भाई, मेरे दो, अपने बच्चे की लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर वर्ड आई सेड आई कांट से। आपके भाई आपसे छोटे हैं? हाँ, नहीं, हाँ, यस यस, छोटे हैं वो। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया ऐसे, तो बट लेटर आई हैड टू, एंड सर्टन थिंग्स लाइक दैट जो मैं नहीं यहाँ बता सकती, I started telling that, so they ignored it. Then when I grew little bit, then from my father I came to know that what ancestors, my ancestors were very powerful. They had certain psychic abilities, though they were not into this profession. They were big industrialists, they were professionals, but they were, that is being passed on to us. That psychic abilities. So that came to me. So I started honing them. Honing them means my destiny started taking me to those places and all. You will be surprised at the age of, it was 18 years. That place was Dharamshala. I had gone there with my parents. There, I don't know how I walked into some वो जो पगडंडियां होती है, कहां पे मैं कैसे गई कुछ नहीं पता है, एंड देयर इन दैट कुटिया आई वॉज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा था।
I saw one monk was there. Sadhu. Sadhu. Sadhu, हमारे सनातनी साधु, एक साधु होते जो तिब्बती monks, no? Mm. He was सनातनी, he was wearing orange, okay. orange जोगिया कपड़े, mm. बुजुर्ग थे कोई, and he was there, I was seeing him from that वो झीली में से देख रही थी मैं क्या कर रहे हैं, काफी देर वो कुछ करते रहे मैं देखती रही ऐसे out of curiosity, and now I was thinking कि मैं क्यों ऐसे देख रही थी, but destiny was showing me that. थोड़ी देर के बाद वो एकदम से उनकी जो बॉडी थी ना पीसेस में हो गई, टुकड़ों में, मांस के टुकड़े नहीं होते लाइक वो जो बाबा जी बैठे थे उनके, हाँ वो एकदम से पीसेस में हो गए लाइक विदाउट ब्लड कमिंग, मतलब ही देयर वाज इंसाइड ऑफ हिम देयर वाज जस्ट दैट मीट, एंड दैट वाज वेरी स्केरी, एंड एकदम से मुझे लगा क्या हो रहा है ये. कितने साल के थे? आई वाज 16 इयर्स, 16 17. 16 साल की उम्र में आप एक ग्रेस्प करके अपने आप को नहीं, अभी अब समझ में आया ना बाद में, ये मैं देख रही थी एंड देन सडनली एकदम से थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे देखा वापस ही वो सिटिंग. ये चीज मुझे तब समझ में आई जब मैंने ये काम शुरू किया दैट देयर आर पीपल हु गो फॉर एस्ट्रल ट्रेवल एंड दे कैन प्रोजेक्ट एनीवेयर but they do they leave their body dead but I saw actually in two pieces so that nobody fiddled. Now I understood ki wo aisa kya tha. To aise aise log hain, aise aise log exist karte hain jo totally apne formless ho jate hain aur fir se wapas form mein aa jate hain. Maine dekha aur fir now then I was then that was told to my family. वो भी कुछ देर के बाद निकला. आई वॉज इन टू स्टेट ऑफ शॉक. वो आए ढूंढते हुए तो मैं एकदम से लॉस्ट थी पूरी. आई वॉज टोटल लॉस्ट एंड स्केरी स्केयर, मतलब बड़ी डरी हुई थी और अजीब सा मेरा व्यवहार था. तो माय पेरेंट्स आज क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं वहां पे कुछ था. कहते चलो चलो चलो, जैसे पेरेंट्स बोलते चलो चलो कहाँ थे, देर हो गई है, चलो अभी जाना है हमें. तो जैसे होता है नेचुरल देर टू आप उनको बिन बताए विचरते हुए नहीं इतनी नहीं नहीं इतनी दूर नहीं गई. दे वर आल्सो नियर बट इट वाज अ ट्रैक दैट वाज अ सम काइंड ऑफ ट्रैकिंग कर रहे थे. ट्रैकिंग इट वाज अ ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग बट आई वेंट ऑफ बीट बीच में बट दे फाउंड मी एंड व्हेन आई वाज लाइक आई वाज टेलिंग दिस टू माय पेरेंट्स तो उन्होंने मुझे अब फिर बाद में ये बातें जब खुली होता है ना जब हम कुछ बातें होती हैं हम जब इकट्ठे बैठते हैं जब हम इस सब्जेक्ट में जाने लगते हैं तो कुछ शेयर करते हैं कुछ बड़े तो देन पता चला कि ये चीजें होती हैं. माय आई डिस्कस्ड इट विद माय फादर देन ही सेड ये होते हैं मैंने भी बहुत कुछ ऐसा देखा है. तो देन आई वॉज सॉरी ऑल्सो फॉर माई सेल्फ कि मैंने उनको क्यों नहीं. आज मैं फील करती हूँ कि काश मैंने उनसे वो सब सीख लिया होता. अब मैं एज अ professional I think that I have missed a great opportunity by leaving that place and coming here. काश मैं वहां रहती बता देती कोई मुझे सिखा देता. तो as a learner that was a very big missed opportunity. Astral transformation के बारे में मेरा बहुत strong belief है. Transformation or travel? Travel, astral okay. travel को जिसमें हम अपनी body के और अभी हम हॉलीवुड मूवीज के थ्रू भी सबसे पहले मैंने इसको डॉक्टर स्ट्रेंज में नोटिस किया था जब वो वाज लाइंग ऑन द बेड और उन्होंने फिर बाहर निकल के इंस्ट्रक्ट किया अपने जो भी में रोल में थे कि ऐसे ऐसे करो और मुझे भी लगता है कि ऐसा कर सकते हैं बट उसके लिए शायद बट ये जो आप बता रहे हैं कि ही उन्होंने अपनी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया. इट वॉज लाइक मीट पीसेस मीट काटने का क्या पर्पस हुआ होगा. He never cut it in front of me. He was just that was lying there. हाँ वो तो अपने आप. How it was? ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने एस्ट्रल में तो ऐसे ध्यान में भी बाहर जा सकते थे. I don't know. That is a very you can say it was a beautiful moment. Now I think beautiful yet a very big opportunity missed. आज तक नहीं. यस बट यस व्हाट आई थिंक ही व्हाई ही डिड इट प्रोबेबली ही नेवर वांटेड टू कम बैक. आई डोंट नो कि कोई जानवर आएगा खा लेगा ठीक है. आई डोंट नो बट ही केम बैक आल्सो वेरी सून
5-7 मिनट में वापिस भी आ गए थे, वहां पर कुछ नहीं था, फिर सिर्फ वही थे लाइक दैट। आप कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं तो पहले तो ये बता दीजिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और एक वर्ड है लामा फेरा, तो उसका क्या है सिग्निफिकेंस, कैसे चलता है ये? यस, आई विल टेल यू दैट। पहला तो आपका ये था सवाल कि व्हाट, हाउ डू यू नो दैट कि वहां पैरानॉर्मल है कुछ। पैरानॉर्मल किसको बोलते हैं, जब कुछ अजीब हो रहा हो? पैरानॉर्मल व्हेन समथिंग इज हैपनिंग व्हिच इज नॉट इन ट्यून विद द फिजिकल वर्ल्ड, समथिंग व्हिच इज नॉट सीन विद द नेकेड आईज, समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी, सम काइंड ऑफ हैपनिंग विच इज कॉजिंग डिस्ट्रेस अमॉन्ग द रेजिडेंट्स और द पर्सन विद हुम सो एवर दैट इज हैपनिंग, दैट इज समथिंग पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल इज ऑल्सो समथिंग विच हॉन्ट्स अ पर्सन, विच मेक पर्सन सफर, विच मेक दैट प्लेस सफर, विच मेक्स दैट प्लेस वीरान, वेयर any common person even if will go will feel some kind of that ki dar lag raha hai aise chalo, so that is something paranormal and it has no physical form। main mujhe ye pata hai ki aapne bahut sare logo ki madad ki hai, koi story share karenge? ha story hai, abhi recent hi batati hu, it was 1.5 months before, so काफी देर से वो लोग कह रहे थे and there was someone very sick at my place, so I was not able to do that, but I took that project, that was Delhi Chhatarpur, that the area is Chhatarpur, that person they were constantly calling me कि मैम negativity removal के लिए we want to take your service, so I asked them what is the issue, बोलते मैम अगर आप if you can come, I said I don't come like that, but they requested me and anyhow it was decided then I will be going to them, then I visited Chhatarpur, that was a farm, yeah, Chhatar, they were that is a big farm actually, but they were living there also, farm mein hi rehte the wo log, rehte hain abhi bhi rehte hain, so they were having actually problem kya thi, they were into some selling of ये डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, डेयरी उनका बिजनेस लाइक उससे, हाँ मैं नाम नहीं लूंगी, दे वेल नोन, तो काफी सामान तो उनका उसमें फैक्ट्री में ही रहता था, फ्रीजर्स दे हायर ना, आइस फैक्ट्रीज दे हायर, बट देयर वॉज सम बटर सेक्शन विच दे हैड केप्ट इन देयर होम इन दैट फार्म, उसमें बटर सेक्शन था और एक और सेक्शन था डेयरी प्रोडक्ट का ही जो मेल्ट हो जाता है, तो उन्होंने एक अलग सा बना हुआ था, दैट वाज लिड वाला बिग फ्रीजर एंड दैट रूम वाज आल्सो ऑफ स्टील, बड़ा एयर टाइट जैसे डोर होता है, सो आई वेंट देयर, एकदम से जैसे ही मैंने उनके गेट में, पहले तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, काफी देर से ना ही हो रही थी उनके काम में, यहां बैठे बैठे आपकी इच्छा नहीं हो रही थी? इच्छा नहीं, मेरे साइड पे तो कुछ हो ही रहा था बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स at home also, someone was very sick, someone very close and almost about to leave, parda karne wale the wo is duniya se, to main bahut busy thi unke sath, so I was saying no, aur jab beech mein haan bhi hui is to koi na koi cheez aa rahi thi, there was something coming ke main na karu, but I had to go to Delhi, I had to go in any case for some work, this kind of work only, but that was just normal lama fera healing, but I said okay I'm going to Delhi, okay I will do it, phone to unhone bataya nahi ki samasya kya, they said negativity removal, so that I have to check na, when they are calling me I could make out, I could understand very well, wo pata to chal hi jata na with you know when you are in this kaam mein jab aap hote ho aapko kai cheeze khud hi pata chalti hai, you can say clear cognizant that,
तो एनीवे जैसे ही मैंने मैं उनके इनफैक्ट नॉट इवन गेट पहले ही हो गया था, जैसे ही मैं टर्न लिया इट वॉज संकरा, देर वर बिग फार्म्स ऑलरेडी देर, काफी फार्म्स थे मैंने देखे वहां, और एक गली देखने में गली थी बट दे वर वेरी बिग फार्म्स. तो जैसे मैं अंदर गई तो दे हैड वेरी ओल्ड आयरन का गेट, रस्टेड गेट, रस्टेड गेट. इट वॉज अ बिग फार्म, दे पीपल वर वेरी रिच, दे वर फाइनेंशियली नॉट पुअर एंड दे वर लिविंग इन अ फार्म, सो दे वर एजुकेटेड, अच्छा परिवार था, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे थे उनके, बड़े वाले दो बेटे, हस्बैंड वाइफ. तो एनीवेज जब मैं उनके गेट में आई वेंट, मैंने अपनी कैब करी, तो जैसे ही मैं वहां पहुंची मेरी कैब ने वहां रोका, तो एकदम से जैसे होता है ना एक झटका लगता है, एकदम से आई फेल्ट जैसे समथिंग पुश्ड मी बैक. और एनीवेज व्हेन आई सॉ द गेट इट वाज टेलिंग इटसेल्फ लॉट ऑफ स्टोरी, गेट ही स्टोरी बता रहा था उनकी कि अंदर क्या है. सो आई वॉज इन एनी केस अलर्ट, आई वॉज हैविंग ऑल माई थिंग्स विद मी फॉर माई प्रोटेक्शन, एंड आई वॉज ऑलरेडी आई हैड डन माई प्रोटेक्शन पार्ट, वो जो था पूरी शील्ड थी मेरे साथ, बट शील्ड के बावजूद भी देर वॉज वेरी सर्टन काइंड ऑफ अनईज वॉज देयर. आपको इससे फील हो रहा था कि अनईज मतलब एक ठीक नहीं लग रहा था. नेचुरली इट्स नॉट अ हैप्पी थिंग, यू डोंट सर्टन थिंग्स यू डोंट फील दैट ओके वेरी गुड, दैट वॉज मतलब पता चल रहा था कि अंदर अभी काफी गड़बड़ है. मेरा कहने का ये तात्पर्य है जी. तो जैसे एनीवेज कोई सर्वेंट आया, उसने दरवाजा गेट बड़ा सा खोला, उन्होंने 5 मिनट के बाद खोला, देर बाद खोला, बेल वॉज देयर. जैसे मैं अंदर गई वो मुझे ले गए गार्डन, जो उनके साइड में जो गार्डन थे दे वर नॉट मेंटेन्ड, बहुत वीड्स थे बड़े बड़े लंबे काफी, जैसे सदियों से खेती मतलब गार्डनिंग नहीं होती है, तो होता है ना जैसे वीड्स बोलते खरपतवार जैसे निकल आते हैं पौधे, और अजीब से वो एक अजीब सी बेल होती है जो आपको मिलेगी, जिसका कोई सोर्स नहीं होता पर पत्तों में उगी होती है जी. उसका नाम है मैं भूल रही हूँ, जंगली बेल होती है वो जब फैलती है तो फिर पूरे जंगल में ही फैलती है वो वाली भी लगी हुई थी वहां पर. तो जब मैं अंदर गई उनके क्या कहते हैं उन्होंने राइट साइड पे उनके सोफा था, साथ में बेड था, और सामने जो एक पुराना लकड़ी का जैसे तख्ते वाला दीवान टाइप का होता है एक, वो पड़ा हुआ था, बस यही सामान था. और बहुत बड़ा अंदर से बहुत बड़ा घर था, मतलब गार्डन था साइड में जो ऐसा था, सूखे हुए मतलब मरे हुए सारे पौधे मरे हुए थे. अंदर जब गए तो इट वॉज अ वेरी बिग हाउस, बिग हाउस जैसे एक आलिशान महल टाइप होता है, जैसे किसी जमाने में बहुत अच्छा था, पर वहां कोई ज्यादा सामान नहीं था. बट एंड स्लोली दे एवरीबडी स्टार्ट कमिंग, उन्होंने मुझे पूछा पानी लेंगे, मैंने नहीं लिया, तो मैं बैठ गई, उन्होंने मुझे कहा हैव सीट. जब मैं बैठी तो मेरे पैरों के पास से ना वो निकल रहे थे डॉग के टिक्स नहीं होते, वो मतलब चल रहे थे जुए, जुए चल रही थी. पर आपको दिख गए वो? हाँ दिख रहे थे, वो तो नेकेड आई से दिखते. उनको भी दिख रहे थे? हाँ उनको तो दिख रहे थे ना, मैं बताती हूँ आपको. तो ये सब था. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसा कुछ ठीक नहीं फील होता, हम काफी बीमार हो रहे हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उनके कई शोरूम्स बंद हो गए. और आई वॉन्ट टेल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज एनी सिंगल आइडेंटिटी अबाउट दोस दैट फैमिली. तो उन्होंने बोला, बातें हुई, मैं वहां पर कम से कम 4-5 घंटे में रही, और उसके बाद उन्होंने मुझे सब बताया. मैं उनके टॉप पर भी गई, उस सेकंड ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पूरा उन्होंने मुझे घुमाया. मैंने कहा आप चलो साथ में. 3 फ्लोर का उनका, हाँ अंदर बना हुआ था, बाहर से पुराना टाइप जैसे होता है, अंदर से अंदर घर भी था. तो फर्नीचर वॉज नॉट मच. तो मैं गई, मैंने देखा मतलब देयर वॉज स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्मेल,
आपने पूछा कि क्या कैसे पता चलता है वहां पैरानॉर्मल है, तो इसी केस में मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीजें होती हैं। उन्होंने कुछ चीजें मुझसे हाइड की जो मैंने जब बताई तो दे एक्सेप्टेड यस दैट इज हैपनिंग। ठीक। एक तो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैश लाइक स्मेल थी उस घर में, जैसे मांस जलता है ना, पंख जलते हैं या ऐसे, एक होता है बाल जलना, एक होता है पंख जलना। जब किसी एनिमल के फेदर्स जलते हैं, बाल भी जलते हैं तो बहुत गंदे स्मेल, उसकी अलग होती है। अगर आप ध्यान से उसको देखें उसकी स्टिंजिंग स्मेल को, तो दैट वाज बर्निंग ऑफ, जैसे किसी मुर्गे के पंख जल रहे हैं या ऐसी स्मेल थी। और साथ में बीच बीच में एक लहर आती थी, जैसे डिकेड बॉडी नहीं होती कोई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होता है, जैसे हम कई बार निकलते हैं ट्रेवल पे तो आ जाती खेतों में से, वो भी स्मेल थी, जुए भी चल रही थी। और द वन थिंग वॉज देयर कि जैसे ही मैं उनके गेट में अंदर एंटर की थी, गूस बम्स तो आते ही हैं, तो गूस बम्स वर देयर। देयर वाज टेम्परेचर, बाहर कम था, गर्मी थी, अंदर ज्यादा ठंड थी। मतलब सर्दी के दिनों में भी, सर्दी के टाइम में भी बाहर आई कुड फील नॉट वेरी कोल्ड, बट इनसाइड इट वाज वेरी वेरी कोल्ड, चिल वाज देयर। दूसरा, बार बार एक और भी निशानी है पैरानॉर्मल जब हमारे आसपास होता है, बार बार वहां खड़े हुए इंसान को बार बार यूरिनेट करने की फीलिंग होती है उस जगह पे। मींस यू फील दैट अभी आपने यूरिनेट किया, अभी अगेन योर ब्लडर इज फुल, आर यू गेटिंग एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग शील्ड। तो एक ये भी था, दे वर ऑल्सो डूइंग दैट सेम थिंग, बाथरूम ही जाए जा रहे थे बार बार। जब मैं जरा वॉशरूम होके आई, मैं वॉशरूम होके आया, लाइक दैट। सो एक ये सबसे बड़ी निशानी है दैट इन दैट हाउस, दैट प्लेस, और दैट पर्सन इवन हु इज पोजेस्ड बाय सम काइंड ऑफ नेगेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थिंग, दे विल हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग सडन ऑल द टाइम, हैविंग अर्ज ऑफ डूइंग यूरिनार एज इफ। एक तो होता है ना, आपको किसी को यूटीआई है तो उसको बार बार आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम है उसको, विदाउट प्रॉब्लम अगेन यूरिनेटिंग एंड हैविंग along with that feeling of urinating, that goosebumps. This is a very strong nishani. एक होता है अकेले goosebumps आना, एक होता है goosebumps भी आ रहे हैं साथ में, जल्दी मैं urinate करूं कहीं, मतलब washroom का है, that वाला, that is very very strong thing. और एक बड़ी अजीब सी चीज है जो उन्होंने मुझे बाद में बताई थी, मुझे मालूम था, और वैसे भी होता है extreme paranormal में, that person who is possessed, especially person, not place, they will have all the time having urge of doing sexual thing, maybe masturbation or that kind of thing. मतलब दिमाग वहीं जाता है, अटपटे वक्त में, अटपटे समय में, हालात में, they would like to go for it urgently. एक ये भी है, बहुत strong निशानी है ये। And another thing, there you will find strange kind of black, dark circles around that person. एक होता है anemia वाला, किसी को anemia है तो एक हल्का हल्का होता है, उनके अलग टाइप के होते हैं, लाइक इफ यू सी देम फ्रॉम द फार प्लेस यू विल सी दैट इन्होंने कुछ पैच लगाया हुआ है या क्या है। कौन कौन था उनकी फैमिली में? हस्बैंड वाइफ एंड टू सन्स। सबके थे, और सब वाइट, मतलब जैसे ब्लड ही नहीं होता लाइक, और इनफैक्ट वो काफी दिन से बाहर भी नहीं निकले थे, काफी दिन से, दे नेवर यूज टू गो आउट, देयर ऑर्डर्स यूज टू कम एट होम, मतलब घर पे आके डिलीवरियां होती थी, सब जो भी होता था, दे नेवर यूज टू, उनसे जब पूछा गया तो उनसे ये पता चला कि वो काफी देर से बाहर भी नहीं गए। अभी हमारे इधर चंडीगढ़ में भी ऐसी एक फैमिली कहीं मिली है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर vulnerability, I don't want to name. So there are people who are dealing with so much of traumas inside and some kind of negativities, I would say, that they never ask for help, neither they come out, rather वो चीज ही आपको अंदर रखती है confined, that thing, जो भी that negative चीज होती है ना, they don't, that thing doesn't want you कि आप किसी से mingle करो, आप हंसो, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो,
आपके कोई दोस्त बने, आपका व्यवसाय चलता रहे, सब चीजों से वो चीज आपको कट करती है और आपको एक जगह पे कन्फाइंड कर देती है एंड देन दैट थिंग लिव ऑन यू। पूछने ही लगा था आपसे कितने दिन से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वो देख भी रहे हैं कि जुए चल रहे हैं या इस तरह का हो रहा है या गंदी स्मेल आ रही है, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं चले गए? सी वो डील कर रहे थे ना एंड देव दैट इज अ वेरी बिग फैमिली। बिग फैमिली मीन्स उनका नाम रह चुका है, उनका नाम रह चुका है, अब वो नहीं रहे वैसे पर उनका नाम था। अगर मैं आज मैं नाम लूं, उनका मार्केट में नाम था, फिर क्या हुआ मैम इसके बाद? पूरा उनका वास्तु वॉज रॉन्ग, उनका तो कंप्लीट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। एंड इनफैक्ट वो ही बात निकली, जब से वो इधर आए थे तब से उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। बहुत था क्या? दे परचेज अ रेडीमेड फार्म एंड दे स्टेड देयर। सिंपल, अ रिच पर्सन फार्म बाइंग परचेजिंग अ फार्म। कहाँ है आप मुझे बताओ, आप इस ऑफिस में हो, सच बताइएगा, आपने इसका वास्तु चेक कराया? नहीं ना, नहीं। आ गए, दिल किया, अच्छा लगा, आपकी पॉकेट ने अलाउ किया, आपने ले लिया। मेजोरिटी आर डूइंग लाइक दैट। ये तो अब हो गया है ऐसा कि यू वांट टू चेक वास्तु। इनफैक्ट वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट अ हार्मोनियस एनवायरमेंट अराउंड यू। नॉट ओनली दैट, देयर वॉज वन मोर थिंग, उनके घर में जो पानी था वो ऐसे ही बहता रहता था, रनिंग वाटर ऐसे बह रहा है, मतलब जो गार्डन में भी वीड्स थे वो इनफैक्ट काई बन गया था पानी जैसे, होता ना एक नलका चल रहा है, बस चल रहा है। किचन में भी आई सॉ दैट वॉज रनिंग, कुछ ना कुछ चल रहा था। अभी ये सब ये छोटी छोटी बातें, इनफैक्ट द प्रॉब्लम वॉज दैट दे वर डीलिंग विद दैट बट दे नेवर स्पोक टू एनी वन। पहले शर्म आ रही थी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, होता है ना, वो इतने ज्यादा डिसहार्टन्ड और इतने ज्यादा डीमोटिवेटेड हुए पड़े थे, इतने ज्यादा डीमोटिवेट, शायद मैं ना जाती तो शायद कोई जाता भी नहीं, नहीं जाता कोई। आपको वहां कौन मिला फिर? मुझे देखो सर्वेंट ने दरवाजा खोला, उसके बाद व्हेन आई वेंट सारे आके बैठ गए थे मेरे पास। फिर उसके बाद जब आपको ये सारी उसके बाद देन देयर वाज अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हुआ उस जगह का, ट्रीटमेंट हुआ देयर, उनके सारे वीड्स क्लियर हुए, सब हुआ, उनके जो डिसइंफेक्टेंट के साथ उन्होंने करा, उसके बाद जो मैंने उनको जो चीजें, कुछ हवन मैंने अपने खुद करवाए थे वहां, खुद ही करवाए थे। आई सेंड द माय पीपल आई हैव, दे विल डू व्हाट आई गाइड देम। सो देयर वर हवन हुए, वो वाले दो जो जरूरी थे हवन हुए, उसके बाद उनको वो दी गई एक स्पेशल जड़ी बूटियां, रूट्स, एज आई एम अ रूट वर्कर, आई एम अ वुडू एक्सपर्ट, सो आई हैड टू मेक दैट मोर देन 95 रूट्स वर देयर विच वर पाउडर्ड एंड गिवन टू देम टू डू दैट इन देयर हाउस, उसका जो स्मोक है, स्मजिंग, दैट वॉज डन एंड फॉर टू क्लियर देयर बॉडीज। Since that was extreme case, I didn't do their lama fera in person. I did their lama fera through that online mode, distant mode. I did 5 lama feras for each one of them through distant, and then I gave 3 lama feras to them in person. Lama fera to puchunga. Wo abhi I'll come to that. So. उनका उससे आराम आया है, काफी आराम आया उनका। लाइक इफ यू आस्क मी द परसेंटेज, दे आर 70% ओके। आपने समन किया वहां पे किसी घोस्ट को, जरूरत पड़ी? दैट वो घोस्ट तब आया जब मैंने उनका लामा फेरा किया। पहले लामा फेरा बताइए, मैं आपको बताती हूँ। वेट, सो दैट एनर्जीज जो भी थी वो उनके अंदर थी एनर्जीज, दे हैड एनर्जी शिफ्टिंग, कभी किसी को परेशान कर दिया, कभी किसी को कर दिया, कभी किसी में चले गए, कभी किसी में चले गए। और वो चीज क्या थी, अब आप, मैंने आपसे एक चीज बताई थी आपको कि दे हैड बटर सेक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स भी। ओके, तो आई आस्क्ड देम, आई सेड आपने यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी है जिससे आपको खुद लगे कि नहीं अजीब हो रहा है? बोलते कि मैम रात को ना आवाज आती है इसमें, दरवाजा खुलने की और बंद होने की। तो हमारे तो जो दरवाजे हैं ये तो लकड़ी के, मैंने कहा हाँ, तो कैसी आवाज? कहते भारी आवाज आती है।
तो देन आई आस्क्ड देम, आई सेड कि ये वाला जो डोर है ये, कहते मैम इसी के अंदर वो चीजें हैं जो संभालते हैं फ्रीजर में, वो भी काफी देर के पुराने पड़े हुए थे, माल निकला ही नहीं था और स्टक माल था. तो देन आई आस्क्ड देम, आई सेड आपने कैमरे लगाए हुए हैं? कहते नहीं हम लगवा लेंगे. आप मेरे कहने पे कैमरा लगाओ. सो दे हैड दे. अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात और, नौकर से उन्होंने, नौकर से पूछा, नौकर ने बताया था उनको कि ऐसी आवाज आती है. तो उन्होंने नौकर से पूछा कि आपने देखा? कहते हाँ मैंने एक दो बारी दरवाजा अपने आप खुला बंद हो गया. दरवाजा अपने आप ही खुल रहा था, अपने आप, हैवी डोर था वो, अपने आप खुलता था रात को 2:30 बजे के करीब, फिर बंद हो जाता था, ये उसकी आवाज थी. तो सर्वेंट ने बोला यस ही सॉ वंस कि खुलता है अपने आप, पर कोई था नहीं, मैंने देखा कोई था नहीं. He followed that, but there was no one, so he left it. क्या जरूरत है, सभी ऐसे ही थे वहां, careless. तो anyways they installed a camera and then they saw कि yes door opened again. I saw that video. तो उन्होंने देखा कि, मैंने भी देखा कि वो अपने आप दरवाजा खुला, अपने आप बंद हो गया. तो story जो शक था वो clear हो गया था. That was two kids, two kids who had ill fate and they loved butter. They used to come and have it and they used to stay there also with the whole family. जो उस रूम को जो खोलता था वो बच्चे थे, दो बच्चे, लेकिन जो उस घर में थे वो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली थी. Which never, वो काफी देर से रह रहे थे वहां पे, काफी देर से, जब वहां पे कच्ची जमीन थी तभी से ही रह रहे थे वो. फैमिली को कैसे समझ के आपको कैसे पता चला फैमिली भी है? बच्चों से हम जैसे होता ना बात करते हैं, या कोई स्पिरिट आके कुछ साइंस देती है हमारे को, हमारे EMF भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी चीजें होती है, थोड़ी सी हम भी यूज करते हैं. तो इन एनी केस दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल encounter with innocent children who were just opening that fridge. But मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि उनकी हालत ऐसी क्यों है. तो पता चला कि that was a complete family over there. तो complete family. हाँ, now they are not there. अब वो वहां नहीं है अभी, वहां अभी उनका after effect है जो काफी हद तक ठीक हो चुका, हो जाएगा, I'm 100% sure. And they have also decided to sell off. वो चाहते नहीं थे कि इस जगह पे कोई और रहे, उन्हीं का घर था. नहीं, वो अटैच थे वहां, वो वहीं रहते थे, वो वहीं रह गए, रह गए वहां, एक दूसरे के साथ रहते थे. That was a very painful story. In fact, somebody stayed there as a in like a caravans होते हैं, निकलते हैं, होता है ना कोई डेरा बसा लेता है एक जगह पे, फिर वही उनका सब कुछ होता है. और वन फाइन डे somebody is throwing you out or killing you just for the land or something and they just still stayed there. So that is over now, that thing is over, they have left. चले गए. हाँ चले गए, गति मिल गई उनको. But they were not knowing. They had no ill intentions, but yes, those depressed souls were coming in them. इनके अंदर आ जाती थी, जैसे कभी किसी बेटे को तंग कर दिया, कभी उसकी मदर को तंग कर दिया, कभी दूसरे को तंग कर दिया. और एक वीरानापन तो आ ही जाता है ना, जब एक ऐसे एंटिटी एक प्लेस पे रह रही है तो वहां पर रौनक थोड़ी रहेगी, वहां पर तो अपने आप से वीरानापन आता है. ये एक बहुत बड़ा लक्षण है पैरानॉर्मल चीजों के मौजूदगी का. वो जगह ऐसी हो जाती है, उसकी और ऐसी हो जाती है, उसको आप, यू कांट हेल्प इट, यू कांट डू एनीथिंग टिल यू एक्चुअली नो दैट यस दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर. यू कांट डू एनीथिंग. जब पता चल जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं. लामा फेरा. हाँ, लामा फेरा एक्चुअली इज अ वेरी ओल्ड हीलिंग मोडेलिटी which was used by the Tibetan monks during great ancient time, Mahatma Buddha ke time se. ये अब भारत में
कुछ साल पहले आई है, लाइक 20-25 साल पहले ये ज्यादा प्रभाव में आई है. और ये इट दिस इज दैट हीलिंग मॉडलिटी इन विच यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड दैट इज वेरी वेरी नोन. दिस मॉडलिटी इज नोन टू रिमूव ब्लैक एंटिटीज, डार्क एनर्जीज एंड बैलेंसिंग योर चक्रास, बैलेंसिंग योर तत्वास एलिमेंट्स. कोई ऐसा किस्सा बताने को इच्छुक है जिसमें आपकी मेहनत या आप परेशान हो गए, ये नहीं जा रही या नहीं जा रहा? फीमेल ज्यादा एनकाउंटर होते हैं, मेल ज्यादा एनकाउंटर होते हैं ऐसी चीजों में? फीमेल्स. इसका किड्स, कोई फीमेल्स. मेल कम, मेल हुए, मेल भी हुए, बट ज्यादा फीमेल्स रही. मेरे जो केसेस थे उसमें फीमेल्स ज्यादा थी, कुछ बच्चे भी थे और मेल्स वर लेस. आप कैसे सुन पाते हैं मैम उनको? सी वी डोंट एज सच सी, जैसे आप बैठे हो ऐसे नहीं वो बैठते हैं. दे टॉक इन देयर ओन क्रिप्टिक वर्ड, उनकी क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. दे टॉक थ्रू वेरियस हरकतें करते हैं ऐसी, आंसर्स देते हैं. हम कहते हैं ओके इफ यू आर प्रेजेंट हेयर प्लीज मूव दिस, लेट मी नो यू आर प्रेजेंट. सो दे विल मूव समथिंग लाइक दैट, फिजिकल ऑब्जेक्ट हिला देते. हाँ, हिलाते हैं बिल्कुल हिलाते हैं. एंड टॉकिंग वाली बात जहां तक आती है, यू हैव टू स्पीक, दे विल रिप्लाई इन देयर ओन वे. अच्छा, अगर आप जाना चाहते हो यहां पर हमें सिग्नल दो, कुछ बताओ. वी गिव देम ऑप्शन देते हैं हम कि ठीक है आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, हम वहां रखें. तो हाँ है या ना है कि हम उनको कुछ चॉइस देते हैं वहां के. जैसे ये लैंप है कि चलो आप इसकी लाइट बंद करके बताओ, लाइट बंद है, चाहिए तो बंद करो, नहीं है तो ऐसे करो. तो ऐसे करके वो मूवमेंट्स करते हैं, कोई चीज गिरा दो, कोई चीज बोलो अपनी लैंग्वेज में, बताओ थ्रू एक्शंस. दैट इज अ साइन लैंग्वेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी अंडरस्टैंड ऑल्सो. कभी किसी ने आपको ऐसे कोई घोस्ट को आपको धमकाया कि चली जा तू यहां से, मैं नहीं जा रही यहां से? यस, दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच आई डोंट वांट टू एक्चुअली शेयर. एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद मी ऑल्सो. एंड my daughter was very small that time and I was doing all this, I was into this process rather, and side by side I was working also, and I was not doing it full time. I was into it, cases were coming from here and there, jo bhi heal hota tha wo aage bolta tha, to aise kaam main kar rahi thi tab bhi, but I was working most of the time in a job, private job also. So that was very strange. So anything, anyway, I have to tell that. तो जब वो चीज से मेरा encounter हुआ, that was again through Lama Fera I came across that thing. When I was healing that lady, suddenly there was a pat on my back. Proper. तो पाया आपके पीठ पे? पूरा जबरदस्त वाला, जैसे ऐसे करके. I had to look back. Means I was not prepared ke that will be that forceful. Hota hai experience par itna solid nahi hota hai. Aapko force feel ho apne back? Nahi, proper jhajkoda. Utha kar kaise? Haan. So by that time that my jo heli the wo वॉशरूम के लिए भेज दिया था कि ओके, बिकॉज वाटर बहुत पीना होता है, यूरिनेट करना होता है जिससे कि नेगेटिविटी निकलती है. तो दैट इज एक्चुअली द लास्ट स्टेप ऑफ द लामा फेरा ऑफ दैट डे. तो वो यूरिनेट करने के लिए, वो फ्रेश होने के लिए गए, तो दैट थिंग हैपेंड ए करके. एंड देन आई डिड लाइक दिस, हाफ देखा मैंने, पूरा नहीं, बिकॉज पूरा नहीं देखना होता है, हाफ देखा. बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि इतना सॉलिड होगा.
एंड दैट पर्सन सडनली दैट पर्सन केम कि मैम मुझे वॉमिटिंग्स भी आ रही हैं. तो मैंने कहा ठीक है कर लो, अच्छी बात है वॉमिटिंग, इधर यू थ्रो इट थ्रू वॉमिटिंग, लूज मोशंस लग जाते हैं कईयों को ये भी नहीं होता, सिर्फ यूरिनेट बहुत पेशाब आता है, बहुत आता है. और हमें फर्म कहते भी आप पानी भी खूब पियो ताकि और टॉक्सिन्स निकले. एनीवेज तो दैट पर्सन वॉज बिजी देयर, दैट थिंग अगेन केम, ए मैं नहीं जाती. दैट वॉज एक्चुअली नॉट अ गुड मोमेंट. एनीवेज उसके बाद मैंने उसका जो भी मेरा वहां ट्रीटमेंट होता वो मैंने किया, वो चले गए. दैट पर्सन उनको भेजे, उनको ओके यू कैन गो एंड नाउ यू कम आफ्टर 3 डेज, वो चले गए. देन आई डिड एवरीथिंग, मेरे उससे वो चीजें भी नहीं हो रही थी, मतलब इतनी सॉलिड चीज उस रूम में थी कि मैं माइंड भी नहीं यूज कर पा रही थी अपना, जो मैं करती हूं हर केस में करती हूं. मेरा माइंड नहीं कोई हैक कर सकता, टच वुड. बट दैट डे माई माइंड वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग, के जैसे शार्प वर्क होता है ना एक, वो उसमें डलनेस आ रही थी. एनीवेज आई डिड एवरीथिंग आई डिड. मैं उसके बाद मैंने उनकी हीलिंग को रोक दिया. उसके बाद मेरी काफी तबीयत खराब हो गई, आई हैड हाई फीवर, काफी तेज बुखार हो गया और हेडेक वाज नॉट गोइंग. बिसाइड डूइंग एवरीथिंग आई न्यू, वहां रहते हुए या वापस आके? नहीं ये मेरे घर में हुआ. आप वापस आ गए थे? हाँ ये मेरे, आप मिक्स कर रहे हो, ये कोई और हीलिंग की बात हो रही है लामा फेरा की, मैं उनकी नहीं कर रही. आपने मुझसे बैड इंसिडेंट्स पूछा, right. मैं कुछ और इंसिडेंट्स बता रही हूँ लामा फेरा का, डोंट मिक्स इट विद दैट स्टोरी ऑफ दैट फार्म हाउस. फार्म हाउस वाला तो वो नहीं है, नहीं समझ गया. ये मैंने अपने घर पे की थी. अच्छा, आई हैव माई ओन हाउस जहाँ पे मैं ये आपको आपके घर पे एनकाउंटर हो गया, मेरी हीलिंग प्लेस पे, हीलिंग स्पेस पे. Now I'm not doing there. Now that is different place. So anyways, तो 3 दिन हो गए काफी I was बीमार, दिमाग भी नहीं काम कर रहा था. In fact, I did everything. But after that healing, I started giving that person online healing. घर बुलाना बंद कर दिया? मैंने उनको घर नहीं बुलाया because मैं खुद उस state में नहीं थी. But मुझे करनी भी थी और मैंने किया उनका. He is perfectly fine. पर्सन इज फाइन. तो मैंने उस हीलिंग को ऑनलाइन कर दिया एंड देन आई केम इन टू दैट स्ट्रेंज काइंड ऑफ रिमोर्स विच वॉज नॉट गोइंग. काफी ज्यादा एक ऐसी विरक्ति आ गई दैट आई वन फाइन डे गॉट अप, गॉट माई होल हेड शेव्ड एंड बाल पूरे उतरवा लिए. And I told my mother and father कि मैंने ना रहना नहीं है, I want to go and take sannyas. And my mother started crying and there was a big noise about it. काफी डांट पड़ी, काफी रोए सारे कि ये क्या हो गया एकदम से, इसको क्या हुआ. And I had a very small daughter तब, hardly 5 years. तो that was part of that. आई एम नॉट ट्राइंग टू, आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ ये उसका नतीजा था. तो वो मैंने एक्शन ले लिया बट आई सेड नो, लेट मी ट्राई. कुछ टेक्निक्स तो ऐसी हैं जो मैंने बाद में सीखी, दैट वॉज आई हैड सर्टन टेक्निक्स जो मेरे पास उस टाइम नहीं थी, अब हैं, उससे ज्यादा हैं. Anyway, so I succumbed to that kind of situation and I मैंने हथियार फेंक ही दिए, इतनी पावरफुल वो चीज थी, डराया, इतना डराया उसने. But with proper more remedies, I started working on it, अपने आप को फिर से खड़ा किया. जो हमारे roots हैं कुछ खास, उनके साथ मैंने बात, spiritual baths लेने शुरू किए. Ammonia bath मेरा daily होने लगा फिर, जो मैं month में एक बार लेती हूँ. That अमोनिया बाथ इज अ वेरी पावरफुल बाथ, स्पिरिचुअल बाथ फॉर द रूट वर्कर्स एंड द पीपल हु आर वर्किंग एंड टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम अदर्स. देन स्लोली स्लोली आई केम आउट ऑफ इट. वो कुछ टाइम उसके बाद मैंने अपने आप को ये काम ही नहीं किया एंड आई टुक लॉन्ग लीव फ्रॉम माई वर्क ऑल्सो.
on whatever ground. I took a long leave from there, beach way. Then I stood up again and I again came into that same power. But that was very bad period. तो मेरा कहने का ये मतलब है that one should not take these things non-seriously. अब होता ना खेल खेल में लोग कहते हैं बुला लो किसी चीज को, लोग करते हैं ऐसे. बुला लो पे आऊंगा मैं एक बचपन से करना चाहिए. बचपन से जब जैसे बहुत sorry to interrupt. Let me finish with this लामा फेरा ना अपने आपने पूछा था. तो anyways वो जो लामा फेरा में ये चीज मुझे उसमें एनकाउंटर हुई. राधा जो मैं बिल्डिंग और ये हॉन्टेड प्लेसेस में जैसे जाकर लोग अपने घरों से नेगेटिविटी निकलवाते हैं उसमें मुझे ये चीज नहीं फील हुई जो मुझे पर्सन के लामा फेरा में फील हुई. तो ये टाइम आता है हमारी लाइफ में और ये करने से पहले मेरा यही एडवाइस है हर एक को व्हूएवर इज इनटू दिस. फर्स्ट इक्विप योरसेल्फ विद एवरी डैम थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ टू सेफ गार्ड योरसेल्फ. जब तक आप पूरी तरह सेफ नहीं हो डोंट टेक इट हल्के में, नहीं लेना चाहिए इन चीजों को. समटाइम यू कैन ऑल्सो गेट स्टक इन टू दीज थिंग्स एंड क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ. और मैं कितनी देर अपनी डॉटर के पास भी नहीं गई थी. लाइक आई यूज टू कीप माई सेल्फ अलूफ टिल आई गेट प्रॉपरली सब ठीक हो गया. वो प्रॉपरली थिंग्स केम इन टू द स्ट्रीम लाइन. आई वॉज literally struggling with strange kind of emotions and mental state. ये होता है, दिल नहीं करता है बात करने का, नहीं करता था किसी के साथ और पूरी विरक्ति जैसे संन्यास कुछ है ही नहीं, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, कोई भी नहीं है, घर बार ये सब बेकार है. लाइक दैट वॉज नॉट अ गुड थिंग इन माई केस बिकॉज आई वॉज अ मदर, आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो एनीवेज होता है ये, पर अब सब कुछ ठीक है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है. ऐसा भी कुछ इनकाउंटर उसके बाद नहीं हुआ, इट वॉज लॉन्ग लॉन्ग बैक. नाउ व्हेन वी गो इवन अब स्मॉल लामा फेरा भी, जैसे कोई भी अब लामा फेरा तो बहुत आते हैं मेरे पास. जब मैं लामा फेरा करती हूँ पहले से ही वो चीजें अब रहती हैं. देयर विल बी ऑलवेज अ कोकोनट रहता है उसकी जगह टू, पहले मैं नहीं रखती थी उस टाइम में. नाउ देयर इज अ कोकोनट एंड लेमन इज देयर टू, इफ देयर इज समथिंग वी ब्रिंग इट टू दैट एंड दैट ब्रेक्स. सो उसमें आ जाता है. आई टोल्ड यू ना विद एवरीथिंग मैच्योर्स विद एज. एवरी पर्सन इज वंस अ बिगिनर एंड देन स्लोली दे कम इनटू एंड दे ग्रास्प द होल सब्जेक्ट एंड द सेंस ऑफ दैट मोडालिटी. तो दैट वॉज माई केस लॉन्ग टाइम बैक, 20-25 साल पहले की, 22 साल पहले की बात है, 23 ये वाली जो मैं सुना रही हूँ आपको करना. क्या तो ये होता है आपकी? मेरी एज अभी, अभी आप हिसाब लगाओ, मेरा मैथ बड़ा वीक है. अभी तो आप मुझे 30 कह रहे हो. नो नो, आई एम 53. आई एम 53 नाउ. कोई नहीं कह सकता कि आप 53 हैं. नहीं नहीं, ये तो हमारा हुडू, हमारा स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है. व्हेन यू आर इनटू गॉड, व्हेन यू आर इनटू वेदास, व्हेन यू आर इनटू मंत्रास, यू रिमेन यंग. दो चार मुझे भी दे देना. हाँ हाँ, आप ले लो, मैं तो रहूंगा. नहीं सौरभ जी, मैं तो कह रही हूँ आप लीजिए. मैं बहुत जल्दी एज डोल रहा हूँ मुझे. नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आप ईश्वर में मन लगाइए, चैंटिंग्स वगैरह करिए. अपने जो सबसे बड़ी बात है, सी यू हैव टू लिव अ वेरी वर्चुअस लाइफ. वर्चुअस लाइफ मीन्स मन कर्म वचन वाणी से बिल्कुल शुद्ध, नो इल फीलिंग्स फॉर एनीवन. पीपल विल डू मेनी थिंग्स ऑन यू बट यू शुड नॉट रेसिप्रोकेट द सेम. तब आप हकदार हो ईश्वर की कृपा के. और ये तो वैसे भी 2024 इज शनिदेव जी का वैसे भी ये वर्ष है, इसमें तो वो सब चीजें खत्म होने वाली है जो किसी के साथ बुरा करती है या किया है जिन्होंने किसी का दिल दुखाया है. हिसाब होना है 2024 में, उन सबका हिसाब होना है. इस पे तो हम पिछले 3 पॉडकास्ट से बात कर रहे हैं. अच्छा, शनि देव के बारे में. नहीं, शनि देव जी क्या नहीं कर सकते क्या? आई डोंट वांट टू डेविएट द टॉपिक बट यस आई वुड डेफिनेटली से
पता नहीं क्यों जब मैं ऐसी बात सुनती हूँ ना, मुझे और प्यार हो जाता है शनि, हमारे शनि महाराज जी से। वो ऐसे ही लोग बोलते हैं। कभी कोई पिता भी खराब हो सकता है, अपने बच्चों को दुख दे सकता है, सोचो। वो सारे दुनिया के देव हैं। विकास मित्तल जी भी कहते हैं शनि से स्वीट कोई प्लेनेट नहीं है। वो अलग बात है, मैं उनको एक फैमिली के मेंबर की तरह देखती हूँ, वो तो एक परिवार के देव है ना। आठवां घर उन्हीं का है। एनीवेज वो देव है, जो सब देव है, हमारे सूर्य देव पिता है हमारे, या हमारे मंगल देव, सारे ग्रह ले लो, कोई क्या क्यों बुरा करेगा वो, है ना। आपके कर्म होते हैं जो आपको उस तरफ ले जाते हो। फिर हम इंसान की तो आदत ही यही है कि हम हमेशा ये कहते हैं उसके कारण हुआ। इफ यू आर लिविंग, बात हमारी ये हो रही थी कि आप की एज नहीं लगती है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए। लोग कुछ भी बोले, बोलने दो, उनका काम है बोलना। आप अंदर से क्लियर होने चाहिए कि यस यू आर लिविंग अ वर्चुअस लाइफ। आपने किसी का बुरा नहीं किया, ना करोगे, ना करते थे। आप धोखा नहीं करते हो किसी से। सबसे बड़ी बात, माँ बाप की सेवा। अगर आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ले रहे हो ना, बिलीव मी सौरभ जी, आपको कहीं मंदिर मस्जिद में किसी भी सेंट के पास जाकर कुछ चमत्कारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। गॉड विल सेंड एट योर डोरस्टेप। आपके दरवाजे पर लोग आकर तुम्हें खुद देंगे। आपको कि अरे ये क्या, मुझे ये चीज मिल गई। ये होता है आशीर्वाद। वर्चुअस लाइफ, लविंग योर पेरेंट्स, सेवा, सब कुछ आपके पास है। आपका जब मन अच्छा है तो आपका मन कूड़ेगा ही नहीं, तो नेचुरली यू विल हैव गुड स्किन, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ, इजंट इट। यू डोंट हैव टू गो टू फॉर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। तो ये है, ये है। कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी इज अ बेस, आई थिंक इट्स अ बेस ऑफ योर होल ब्यूटी। यंग एज में, जो टीन एज में होते हैं स्टूडेंट्स, मुंबई जो बड़ी सिटीज है ना, उन वहां वो हमने भी इस तरह की ये की है। तो देखते थे मूवीज में ऐसे प्लांचेट कर लो या ये कर लो, ऊर्जा बोर्ड, गलती से भी इसके हमने ट्राई मारा था बहुत पहले। तो उसमें मैम जो सबसे कॉमन नाम हमारे पास हमेशा चलते हुए, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है इसका, बट कॉलेज में हम ट्राई जरूर करते थे, वो ब्लडी मैरी है। हम कोशिश कर, मैम कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, कितनी को अकल होती होगी। आज एक एज है, एक मैच्योरिटी है, समझ भी आता है किन चीजों को छेड़ना चाहिए, कोई चुप बैठा है तो उसको नहीं छेड़ो। तो एक तो मुझे पहले समझाइए, क्योंकि तब इतनी कोई जानकारी नहीं थी, बाद में पता चला तो मुझे इतनी समझ आई कि नहीं छेड़ना चाहिए। ये क्या है, कहां से आई, और आईने इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने देखा है मूवीज में भी, देखा है पढ़े में भी, देखा, जैसे कई बार हम मूवीज में तो सीन देखते हैं कि फेस देख रहा है, इंस्टाग्राम पे कई बार रील आती है, बच्चा नीचे उठा लेकिन फेस वो वहीं रह गया। आईने कैसे, कुछ लोग कहते हैं आईने सामने रख के सोने की जगह पे, जहां आप सो रहे हैं वहां सामने मिरर नहीं होना चाहिए, आप अटक जाते हो। सी यू टॉक्ड अबाउट ब्लडी मैरी, अभी टाइम हो रहा है, बुलाना चाहते हैं आप? इफ यू वांट लेट अस ट्राई शो पॉडकास्ट के बाद बुलाते हैं मैं। इट्स फाइन, सी यू आर स्केयर्ड, एनीवेज दिस इज अ थिंग ऑफ स्केयर आल्सो ओनली। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि इन चीजों को आप हल्के में मत लो। ये प्लैंचेट, ओजा बोर्ड और ये सब चीजें जिससे हम स्पिरिट वर्ल्ड के साथ टॉक करते हैं, डू नॉट प्ले विद दैट। एंड ब्लडी मैरी इज देयर। हाँ, ब्लडी मैरी नहीं आती है, बट द पर्सन, अभी रिसेंटली देयर वॉज समथिंग, द थ्री फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, दे ट्राइड, माय चेयर मूव्ड अगेन, देयर इज अर्थक्वेक, नो, ओके, सो देयर वर थ्री फ्रेंड्स, दे कॉल्ड ब्लडी मैरी, बट इंस्टेड ऑफ दैट सम अदर थिंग केम एंड पोजेस्ड देम, एंड दे रिमेन पोजेस्ड फॉर एवर। अभी तक वो पोजेस्ड ही है, आप जानते हो।
यस वन ऑफ माई को वर्कर्स लाइक हमारी फील्ड में आई ऑल्सो हैव अ सर्कल सो दे आर स्टिल पोजेस्ड दे शी इज इन इटली माई फ्रेंड शी इज ऑल्सो हीलर सो दैट दे आर स्टिल पोजेस्ड दे जस्ट मजाक में नहीं और आप एक चीज नोट करना ये सब बच्चे ही करते हैं ऐसे काम बेकार के कॉलेज चिल्ड्रन स्कूल चिल्ड्रन इवन सो प्लीज आई रियली एडवाइज पीपल नॉट टू टेक देम नॉन सीरियसली देर आर मिथ्स अबाउट सर्टन थिंग्स ब्लडी मैरी के लिए तीन चार स्टोरीज जो है प्रचलित है बट द वी लेट अस नॉट गो इन टू द स्टोरीज लेट अस सी वॉट दिस स्टोरी टीचेस अस है कौन ब्लडी मैरी See, Bloody Mary, they say, as per the myths, as per the stories, वो एक किंग हेनरी की बेटी भी बताया गया है किसी में उसको उनको एक केयरटेकर भी बताया गया है किसी में उनको कुछ बताया गया है सो देर आर मिथ्स अबाउट हर रियल स्टोरी देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट Bloody Mary, एक्चुअल हु Bloody Mary was. Anyways, so instead of going into that and making it a storytelling session, so I would like to really we talk about this that what she this whole thing teaches us. आप एक चीज देखो इसमें mirror common है mirror सब कुछ mirror में होता है ये जो चीजें जो बच्चे भी खेल खेलते हैं शीशे के आगे ही करते हैं अंधेरा होने के बाद after particular तीन बजे कहते हैं हाँ तीन नहीं ढाई ढाई हाँ तो ढाई बजे रात हाँ स्टार्ट उसी से हम करते हैं तो क्या होता है कि मिरर जो होता है मिरर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली मिरर्स आर पोर्टल्स दे आर पोर्टल्स फ्रॉम वन रेल्म टू अदर रेल्म दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड मिरर इज अ पोर्टल फॉर द स्पिरिट्स टू मूव राइट माध्यम आप मुझे एक चीज आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन मान लो एक गिलास है पानी का खुला हुआ पड़ा है गिलास छोड़ो जग ले लो काफी देर से खुला पड़ा है एक महीना दो महीना हो गया टाइम अभी इतना साल नहीं लगा सकती क्योंकि पानी तो सूख ही जाता है ना सो लेट अस टेक इट मंथ्स दो महीने से एक जग पड़ा हुआ है पानी है उसमें क्या आप वो पानी पियोगे नहीं पानी तो साफ है दो महीने से पड़ा है कुछ ढका भी हुआ है फिर भी नहीं पीऊंगा नहीं पियोगे क्यों आई डोंट नो नहीं पियूंगा बट वाई देर मस्ट बी सम रीजन इफ यू आर थर्स्टी एंड देर इज नो वॉटर बट यू कैन सी देर इज अ जग ओवर देयर एंड वॉटर इज देयर अनलेस आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू हैव वॉटर आई वोंट कंसीडर दैट जग विद दैट वॉटर पर वहम ही आएगा हाँ ऑब्वियसली वहम आएगा बड़ी देर से पड़ा हुआ दिमाग में वहम है ऑब्वियसली वॉटर बॉडी है शीशा भी उसी तरह है आपने कभी नोटिस किया है देर आर सर्टन कई बार होता है हमारी कोई पर्टिकुलर कबर्ड होती है अलमीरा जिनमें पहले से शीशे फिक्स होते हैं कितने सालों से बाप दादा के जमाने से चलती हुई आती है आगे आगे चलती है वो खत्म ही नहीं होती दे आर द मोस्ट रिस्की थिंग्स पीपल आर कीपिंग एट होम एंड पुराने शीशे यस जिन्होंने जनरेशन देखी है दूसरा आपका वो मिरर्स जो रेंटेड हाउस होते हैं ना कहीं पास ऑन होते हैं लोग लेते हैं फिक्स मिरर लगा देता है लैंडलॉर्ड होते हैं आजकल तो ये भी चल रहा है इनफैक्ट आई देयर वाज हाँ टू कोरोना से एक साल पहले की बात है 2019 की बात है आई हैड वन क्लाइंट इधर ही एयरपोर्ट रोड के पास तो उन्होंने मुझे किसी स्पिरिचुअल वर्क के लिए बुलाया चंडीगढ़ में चंडीगढ़ नहीं वो क्या एरिया पड़ता है एयरपोर्ट रोड पे एरोसिटी नॉट एरोसिटी मतलब मैं नाम नहीं लूंगी ना दैट आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवनस फीलिंग एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंसेशनल टाइप्स नो नो आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टोरीज कुकिंग ऑन समबडीज वल्नरेबिलिटी I am not. I want to refrain from that side. So let me not give you the exact clues. But right, yes, right. Yeah. I was called. तो उन्होंने इतने करोड़ में वो लिया था घर, pretty costly.
बट इतने सारे मिरर्स लगे हुए थे, इतने सारे मिरर्स, वो कहते कि हमें मिला ही ऐसे राउंड राउंड डिजाइन बने हुए थे उनके ड्राइंग रूम में पहले से थे। बड़ा अच्छा आर्टिस्टिकली एस्थेटिकली अपनी तरफ से लैंडलॉर्ड ने बनाया था। शीशे भी फुल, बेडरूम में भी फुल शीशा था, फुल वॉल का शीशा पूरा, और अच्छे कॉस्टली शीशे। बट द प्रॉब्लम वॉज देयर, वो इशू उनको ये भी हो रहा था कि रात को आवाज आती दरवाजा खुलने की बंद होने की, मतलब पैरानॉर्मल चीजें उनको लग रही थी, व्हाटएवर। वो केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल गो सम अदर वे, तो ये हॉन्टेड शो बन जाएगा आपका, नहीं तो। सो आई टोल्ड देम कि आप रिमूव करिए, इसमें पोर्टल होता है। दे वर सो रिलक्टेंट कि नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, इतने महंगे हैं, हम तो नहीं करेंगे एट ऑल। तो दे उन्होंने माना नहीं, वो एक अलग बात है, जो वो पूरी एक अलग स्टोरी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो शीशे होते हैं ये पोर्टल्स होते हैं, और दिस पोर्टल वी शुड ऑलवेज कीप इट कवर्ड, नॉट ओनली ड्रेसिंग टेबल। ये तो आपने खुद ही बोला कि लोग कहते हैं बेड के सामने तो हो, इनफैक्ट अब आप हैरान हो गए, मेरे घर में कोई शीशा नहीं है, कोई शीशा नहीं है। माई फादर रिसेंटली एक्सपायर्ड, थोड़े महीने हुए जैसे वो एक्सपायर, जब वो बीमार थे हमने तभी ग्लासेस को कवर कर दिया था, पर जब वो पर्दा कर गए यहाँ इस धरती से, तो फिर हमने वो पूरे शीशे उतरवा के बदल दिए। इट इज नॉट कि हमें वहम है या कुछ ऐसा होता है या होगा, नहीं, ये एक रिचुअल है सेल्फ प्रोटेक्शन का, इन रिस्पेक्ट टू दैट सोल और एनी अदर थिंग। आई हैड वेरियस एनकाउंटर्स ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस व्हेन माय फादर वाज वेरी सिक एंड ही वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज लास्ट जर्नी वेरी क्लोज। देयर वर वेरियस स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस हैपन्ड which we saw together, my father and me, you know. So these things are there. There are certain things around us which we can't see with naked eyes, but yes, they are very much present, watching over us, watching every move what we are doing. Not only that, they can even read our minds, you know, and they have emotions. ye main रिटर्न में दे सकती हूँ कि जो स्पिरिट्स होती हैं इनमें इमोशंस होते हैं और दया भी होती है, दया होती है। आई हैव अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विच आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज पब्लिकली, बट यस दे हैव एम्पथी एंड सिंपथी कि नहीं अभी छोड़ दो इनको, नहीं अभी नहीं छोड़ दो, रिक्वेस्ट करने पर नहीं छोड़ दो, अभी नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते, गिड़गिड़ाने पर भी जैसे मान जाना, तो दे ऑल्सो आर गुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मिरर की बात हुई थी, हम अगेन वी शिफ्ट, इजंट इट, यू काइंडली करेक्ट मी व्हेन वी शिफ्ट। मैम आपका शो है, जैसे मर्जी ले चलिए, वी शुड स्टिक टू द टॉपिक, यू नो। सो मिरर्स की बात हो रही थी, हाँ, तो मिरर्स पोर्टल होते हैं, पुराने शीशे बदलने चाहिए, डोंट कैरी पुराने बाप दादा के टाइम की अलमारियां जिन पे शीशे लगे हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं, आप उन्हीं में फेस देखते हो, नहीं। अगर लगे हुए हैं और नहीं उतार पा रहे हो किसी काम से या प्रॉब्लम से या वट एवर, एक फैमिली मेंबर कहेगा नहीं तोड़ना, दूसरा कहेगा तोड़ो उसको निकालो, सो इट्स नॉट ईजी टू रिमूव थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, जो एक ट्रेजर्स होते हैं हमारे। कई बार हैंड हेल्ड मिरर्स भी होते हैं जो एंटीक पीसेस होते हैं, पीपल डोंट वांट टू थ्रो देम। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, उनको हमने स्पिरिचुअल होली वाटर से उनको हमें वॉश करना होता है, डाउनवर्ड मोशन में, लाइक दैट, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं। और वो कंकॉक्शंस बनती हैं, वो एक स्पेशल वाटर बनता है जिससे हम मिरर्स को वॉश करते हैं, एंड दैट वॉशिंग शुड बी डन फ्रीक्वेंटली, लाइक ऑन एवरी, जो खड़े दिन हमारे कड़े दिन होते हैं, जैसे सैटरडे हो गया, मंगलवार हो गया,
फुल मून्स, स्पेशली फुल मून्स एंड न्यू मून्स जिसको अमावस्या बोलते हैं, स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड बन सकता है आपके साथ. यस, फुल मून इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग इन द यूनिवर्स. वुल्व्स को क्या हो जाता है मैम फुल मून में? पानी को क्या होता है, मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाई देयर आर ज्वारभाटा क्यों उठता है फुल मून में? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण डिस्टर्ब होता है मून का तो. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल साइंटिफिकली. इफ यू सी देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल, वो वाटर बॉडी है वो. बट व्हाट हैपेंस टू पीपल, क्यों होते हैं लोगों के झगड़े फुल मून्स पे ज्यादा, क्यों रूठना मनाना ज्यादा होता है, क्यों कलेश ज्यादा होते हैं, क्यों जो ये वाली चीजें होती है ज्यादा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्यों होते हैं बताओ? मुझे तो कोई आइडिया नहीं. बिकॉज मून इज रिलेटेड टू अस. इनफैक्ट ये तो अभी सब चीजें आई है. इनफैक्ट वी आर ऑल एनर्जीज देयर. अब मायन सिविलाइजेशन, मायन कल्चर को अगर आप देखते हो तो वी यूज टू वर्शिप सन. हम सन को वर्शिप करते थे. धीरे धीरे गॉड्स वगैरह आए, सब फेरोस और ये सब कई तरह के इजिप्ट में उनके अलग अलग गॉड गॉडेसेस होने लग गई, सब बने. पर देखा जाए तो पहले सूर्य देवता को ही तो सब पूछते थे ना. हमारे मेनी सिविलाइजेशंस यूज टू वर्शिप सन ओनली, स्टार सन गैलेक्सीज, इजंट इट? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मून और सन है ये हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं. हमारे इमोशंस भी, इवन की फीमेल का जो मंथली साइकिल है वो भी मून का साइकिल और उसका सेम चलता है. यस, फीमेल का जो मंथली साइकिल्स होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में फिर बात करेंगे. मून फेसेस आर रिलेटेड टू दैट. एंड मून जो फुल होता है, वी आर 70% वाटर इन ह्यूमन बॉडी, इजंट इट? सो व्हेन द सेम थिंग इट डज विद अस when it, there is a full moon, what it does to any water body, river, oceans, whatever, ज्वारभाटा. तो ये मून की बात हो रही थी. आपने पूछा वोल्फ क्यों. एवरी नेचर रिस्पॉन्ड टू दैट. पूरा पूरी प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है जब फुल मून होता है. सारे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है. एनिमल वर्ल्ड में, ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांटेशंस, वेजिटेशंस में, सब कुछ. फुल मून के टाइम एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. इतने दिन से जब हम इन टॉपिक्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप मैं इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं, लंदन में भी ये हो रहा है, अमेरिका भी हो रहा है, मेरे दिमाग में एक सवाल बैठता है. जब अलग अलग जोन्स में ये एक्टिविटीज हो रही है तो, और अब तो हम मान भी रहे हैं कि ये है, सच ही है, गलत झूठ नहीं, मिथ नहीं है. yes. मान लीजिए लंदन में कोई घोस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसी है और वो आपको अप्रोच करते हैं. लंदन वाला घोस्ट, घोस्ट से पहले तो कभी इंसान ही रहा होगा. सभी घोस्ट इंसान ही रहे होते हैं. हाँ. उनकी जर्नी होती है, स्टोरी, एज वी टॉक्ड अबाउट फ्यू मिनट्स बैक. That there is a story behind them becoming as a ghost. तो आप उन पे कैसे, आप उन होली वाटर तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि हम होली वाटर खुद बनाते हैं, नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि होली वाटर, होली वाटर पे हम बाद में आते हैं. We were on some important topic which I want to talk about first. Okay. That is mirrors. हाँ. We had to talk something, tell you something about it. So एक मैं रेमेडी देती हूँ शीशा साफ करने की घर के. ठीक है. टेक वन टेबल स्पून ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया. ठीक. केमिस्ट से मिल जाता है, बट बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट. ओके. ऑन इन दैट यू हैव टू पुट ब्लू नील, नील फूड ग्रेड कलर ब्लू, that and salt. okay. red लाल नमक. okay. red salt. आपने इसको स्प्रे बॉटल में डाल लेना और इसके साथ शीशे पे आपने इसको डालना है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे. हाथ नहीं मारना ऐसे, कई बार होता है ना कुछ साफ कर रहे हो तो यू डू लाइक दैट ऑन दैट स्ट्रोक. नो, नॉट दैट. लेट इट फ्लो डाउन.
उसको नीचे आने दो, अगर आपने हाथ से भी उसको क्लीन करना तो नीचे ऐसे ऊपर से नीचे सभी शीशों को, उसके बाद लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। बाद में आप जो स्टेन होते हैं उसको आप साफ कर सकते हो किसी मसलिन क्लॉथ के साथ। ये शीशों के साथ करते रहना चाहिए हमेशा। और एक और बहुत अच्छा उपाय है शीशों के साथ ही, सी मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर हुडू कल्चर, हुडू हमारा हुडू वर्क में मिरर्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है। मिरर्स हम यूज करते हैं टू एम्पलीफाई अवर स्पेल्स मोर एंड टू बैनिश समथिंग, पकड़ने के लिए बैनिश निकालना, उस वहां से निकाल के अपने वहां से निकालना, हाँ बैनिश टू बैनिश अवे समथिंग, दूसरा टू एम्पलीफाई सम वर्क विच वी आर डूइंग। अब मैं आपको एक घर से जैसे मान लो किसी घर में कोई शैतानी शक्ति है कोई ऐसी वैसी, तो एक सिंपल एक बड़ी सिंपल रेमेडी है, अभी बेबी रेमेडीज हैं और बड़ी हजारों रेमेडीज हैं बट ये हर कोई कर सकता है। एक शीशा लीजिए, शीशा लंबा खड़ा हुआ जैसे लुकिंग ग्लास होता है, उसको जमीन पे रख दो, उसके आगे आप पानी की बाल्टी एक ले लो, आधी बाल्टी भर लो गर्म पानी की, इट शुड बी हॉट वाटर नॉट ल्यूक वार्म, हॉट वाटर गर्म पानी, हाँ जी गर्म पानी आपने ले लेना है और उसमें आपने डालना है नमक 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम नमक आपने डाल के उसको क्लॉकवाइज हिलाना है। आई एम अगेन रिपीटिंग 100 ग्राम्स नमक, खड़ा नमक, लाल नमक, लाल नमक खड़ा होना चाहिए पत्थर वाला, उसको आपने लकड़ी की किसी भी स्टिक के साथ क्लॉकवाइज घुमाते रहना और आपने ये मंत्र चैंट करना है। ये एक सीक्रेट वे होना चाहिए आपका, ये सारे ना देखें, ये आपने करना है जब सन राइज होने से पहले, सूर्य उगने से पहले, जब सूरज नहीं उगा है तब आपने करना है। पहले पूरे घर का पोछा लगेगा, सफाई होगी, उसके बाद इसका पोछा लगता है, पहला नहीं इसका लगेगा, पहले पूरी सफाई कर लो घर की। अगर आपके 2 फ्लोर्स हैं या 3 फ्लोर है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, अगर एक ही है तो पीछे से बाहर को निकलेगा। और आपने ये एक सीक्रेट मंत्र है, बहुत पावरफुल है, इसको आपने 108 × 5 रोजरीज है तो वो कर लो या हाथ पे काउंट कर लो। ओम शम 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 क्रीम 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 हुम फट, आई रिपीट, ओम शम 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 क्रीम 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 हुम फट फट। ये अगर कुछ फील हो रहा है किसी को शैतानी, अगर शक्ति घर में है और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ है, समथिंग इज देयर, मेरे को डिस्टर्ब हो रही हूं मैं, या घर में बहुत नेगेटिविटी एक्सट्रीम में हो गई है, आपने चैंट करके उस पानी में फूंक मारना, ब्लो इन दैट। आप या पहले हिला लो वहीं बैठकर, बड़ी जल्दी हो जाता है, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे, आपकी माला 5 हो जाएंगी आराम से, 5 भी नहीं है, मैं 2 मिनट भी लग सकते हैं कईयों को तो, इनको हैबिट है चैंटिंग की। तो दिस इज वेरी पावरफुल, उसको फूक मार के वो उस पानी से घर का पोछा लगाना है, और जो पानी बचे जो यूज वाटर है उसको ईस्ट की तरफ गिरना है जहां से सन निकलता है, अपने घर के आगे गिराना है बट ऑन द साइड वेयर सन राइजेस, वहां फेंक के अंदर आ जाओ। कोई बताता नहीं है ऐसे मंत्र आपने बता दिए? नहीं जरूरी है, बिकॉज सी when there is a peaceful families around us we will also have happiness na happiness is contagious जरूरी थोड़ी है कि हम, अगर कोई डॉक्टर है तो हमेशा यही कहेगा कि सब बीमार हो जाए, भाई अगर सब बीमार हो जाएंगे तो वो अकेला तो वही रह जाएगा ना। इस दुनिया को खुश देखने के लिए वी नीड टू हेल्प पीपल, एवरी टाइम जो हेल्प होती है मांगने से नहीं दी जाती है, लेट अस शेयर, ये भी एक कम्युनिटी है, मैं कहती हूँ बननी चाहिए, लेट अस हेल्प ईच अदर इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही हमारी ठीक हो जाती है। तो एनीवेज दिस वाज दिस केम फ्रॉम विद इन, ये रेमेडी खुद आई है, दिस इज अ सीक्रेट रेमेडी, तो ये वैदिक रेमेडी है और बड़ी पावरफुल है, ये करनी है जिससे कि घर का जो एनवायरमेंट है बहुत बहुत पीसफुल और नेगेटिविटी फ्री हो जाएगा।
और ये करते रहो, कोई बुरा भी नहीं है, स्पेशली खड़े दिनों में करो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे सैटरडेज, ट्यूजडे, समटाइम्स थर्सडेज आर ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद सम पीपल अदर देन फुल मून्स एंड न्यू मून्स. सॉरी, एक चीज रह गई, शीशे के आगे मैंने जो बकेट रखवाई उसका रीजन क्या है? दैट विल एम्पलीफाई द होल स्पेल विच वी आर डूइंग. शीशा देख रहा है ना उसको, ये करना है आपने. अब सवाल इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछे, ये उसको एम्पलीफिकेशन के लिए है और प्लस बैनिशिंग ऑफ समथिंग. शीशा खराब नहीं होगा उसके बाद, बट यस यू कैन यूज द सेम मिरर फॉर दैट थिंग. एंड उस मिरर को भी आप वंस इन अ ब्लू मून जब आपको लगे, आप उसको भी उसी स्पिरिचुअल होली वाटर के साथ जो हमने बनाना सीखा थोड़ी देर पहले, उसके साथ उसको डाउनवर्ड मूवमेंट में वॉश कर ले. ये आप होली वाटर बना लेते? नहीं, ये होली वाटर नहीं होता. ओके. हमारे लिए ये होली वाटर क्यों है? सी, होली वाटर इज अ वेरी वास्ट थिंग. फॉर मी माई होली वाटर इज गंगा जी का पानी. उनसे बड़ा होली वाटर है नहीं कोई. लेकिन क्योंकि ये हुडू का काम है हमारा, हुडू इज अ अपने आप में एक वास्ट एक कल्चर है, इसमें हम होली वाटर बनाते हैं. वो व्हाई वी कॉल इट होली वाटर, बिकॉज वी यूज इट फॉर द पर्पस टू ब्रिंग सम आराम फॉर द अदर पर्सन प्रॉब्लम. मान लो होली वाटर की बात आप, जैसे आराम से मेरा मतलब है, जैसे मान लो हमने किसी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है और मैंने उसके ऊपर चाहे छीटा ही देना है किसी चीज का, मैं उस पानी को जो प्रिपेयर करूंगी मेरे लिए वो भी होली वाटर है. पर होली वाटर के ऊपर जो द किंग ऑफ द होली वाटर एंड द ग्रेट ग्रैंड और मतलब द सुप्रीम होली वाटर इज अ गंगा वाटर. हम गंगा के पानी में जरूर कुछ मिलाते हैं, वो भी होली वाटर ही है. तो बट अगर हम कोई ऐसी स्पेल्स कर रहे हैं जिसमें हमारे को बाइबल से साम्स लेके पढ़ने पड़ते हैं, तो हम उसके लिए अलग होली वाटर बनाते हैं. उस वाटर का टोटली सिस्टम अलग है. वो वाला होली वाटर बनाना आता ही क्रिश्चियनिटी में. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी. इसी होली मेरा क्वेश्चन था, पहले पूछ रहा था, अभी चलो और जुड़ गया. ये मान लो कि कोई गोस्ट लंदन में आइडेंटिफाई होता है या कुछ इस तरह का पैरानॉर्मल एक हॉन्टेड हाउस है, और अब वो आपको हेल्प के लिए बुलाते हैं. वहां का भूत, वहां का घोस्ट, उनका स्पिरिट, गुड और बैड, वो यहां वाली भाषा समझेगा? जिस आपका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो सारे यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में, कि वहां यहां जैसे यहां पे ऐसे हम देखते हैं चुड़ैल है, तो वो अगर पोप वहां से आता है कोई और वो ऐसे कुछ अपने होगी यहाँ वाली वहां होगी वहां वाली यहाँ होगी. पहली बात तो ये दैट एज आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले कि एवरी कॉन्टिनेंट हैज इट्स ओन स्टोरीज एंड एवरी रिचुअल इज डिफरेंट. राइट. जैसे पग पग पे भाषा बदलती है, ऐसे पग पग पे कल्चर भी बदलता है. ठीक है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ. एज आई टोल्ड यू, समनिंग के लिए हमें उनकी लैंग्वेज की जरूरत होती है. तब हम क्या करते हैं इन अवर हुडू प्रैक्टिस, वी रीड साम्स. बाइबल के साम्स सारी दुनिया समझती है, ये सेम है. यहाँ वाला भी समझेगा? बिल्कुल समझेगा, वो हिंदी में होंगे. साम्स पढ़ते हैं हम. ठीक है, अगर कोई और चीज है तो हम कई बार कलमे भी पढ़ते हैं. मतलब लैंग्वेज बात तो है, लेकिन वंस दे आर समंड, वंस दे आर समंड, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज स्टिल समनिंग. आफ्टर दैट तो हमारे वैदिक जो मंत्र हैं, जो हमारे इतने प्रचंड मंत्र हैं, उनके आगे तो कोई ठहर ही नहीं सकता. इतने इवन यू विल बी सरप्राइज्ड. आपने ये जो बात की, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो वैदिक हमारे मंत्रास हैं, हमारी अब आप मंत्र महोदय की किताब उठा लीजिए, एंशियंट बड़ी अच्छी बुक है, किताब है. उसमें जो मंत्र दिए हुए सारे तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक तांत्रिक बीज मंत्रास, मैं यहाँ बात कर रही हूँ बीज मंत्रास की, उनमें इतनी जबरदस्त पावर है कि वो कोई भी चीज पे असर करते हैं.
अब आप मुझे बताओ, आपने देखा सो मेनी फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया एंड दे आर इंक्लाइन टुवर्ड अवर कल्चर, स्पेशली दे आर कमिंग फॉर द मेडिटेशन रादर. ऋषिकेश और ये सब जगहें भरी पड़ी हैं विजिटर्स के साथ. धर्मशाला ले लो, मैक्लोडगंज ले लो, वेरियस स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में आप देखोगे भरा पड़ा है. नेपाल में काफी, इवन इन चंडीगढ़ ऑल्सो नाउ यू विल सी मेनी पीपल सर्चिंग फॉर मेडिटेशन एंड ऑल. आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, दे आर फॉरनर्स बट दे आर डूइंग मंत्रा इनिशिएशन. वाई? देखो अब आप एक चीज नोट करिए, ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड की ध्वनि है और वो हमारे प्राउडली हमारे सनातन से रिलेटेड है. और हर फॉरेनर, हर लैंग्वेज, हर रिलीजन का बंदा ओम चैंट कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको आराम आ रहा है. समझ रहे हो? तो अब भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो, कुछ होगा कल को, तो आई डोंट थिंक दे विल माइंड मी यूजिंग माय वेदिक चैंटिंग्स ओवर देयर टू क्योर देम. दे विल नॉट, उनको तो रिजल्ट चाहिए ना. और ये हमारे वेदिक, ये तो ब्रह्मास्त्र है हमारे, जो बीज मंत्र है ब्रह्मास्त्र. आप इसको पढ़ लो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी. प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिलुलु कहते हैं ना, डिलुलु सर्चिंग फॉर द सुलुलु, मींस दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन बट दे वांट कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन बस. और उनको ये चाहिए कि इंस्टेंट चाहिए हर चीज, जल्दी हो जाए बस, टाइम नहीं है, जल्दी हो जाए. तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर अलग ट्रीटमेंट्स होते जो आजकल चल रहे हैं, स्विच वर्ड्स बच्चों वाली चीजें जो होती है. मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्पिरिट कोई भी हो, मतलब बाय स्पिरिट्स वी आर अगेन मीनिंग हियर दैट कोई भी डार्क नेगेटिव एनर्जीज कुछ भी हो, कोई एंटिटीज हो, ऑन एवरीथिंग इंडियन मंत्रास वर्क ऑन एवरीथिंग. जरूरी नहीं है कि समनिंग के लिए हमें उनकी लैंग्वेज हर बार ही बोलनी पड़ती है. दे आर वेरी मच कमिंग. इंटेंशंस मैटर बिकॉज इट इज लगती इंटेंशंस इंटेंशन बिकॉज इट इज एनर्जी. It is the frequency, it is the energy, it is the intent that works. But we do read psalms. मैं कट्टर हिंदू हूं पर मेरे काम में मुझे psalms पढ़ने पड़ते हैं. I also have old Bible in my hand and read psalms for certain things to do, क्योंकि वो होते ही psalms से. ये हुडू और वुडू दोनों में Christianity का बड़ा touch है. रूट्स, रूट वर्क, वी आर रूट वर्कर्स. हम हर्ब, हर्बलिज्म और ये सब चीजों के थ्रू क्योर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अटैच्ड है दोनों. यूज होता है, साम हम करते हैं. अब मैंने अगर होली वाटर बनाना है तो हाँ, एक चीज और बीच में मिस हो गई. आपने कहा कि पोप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे अगर होता है. पहली बात तो दे डोंट टेक सच केसेस लाइक दैट नॉर्मली. इट इज अ बिग थिंग. अगर आपने आपने वो मूवी देखी होगी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, देखी. पहली बात तो वो जो उसमें दिखाया गया इतना ड्रामेटिक नहीं होता. पोप एग्जॉर्सिज्म भी देखा मैंने. हाँ, ये ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में. दैट इज एग्जैचुरेटेड. प्रोबेबली उनको परमिशन लेनी पड़ती है. मैं वही कहने जा रही हूँ, दे डोंट टेक इट नॉन सीरियसली. जैसे हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फॉर देम इट इज अ सीरियस मैटर. पूरी उनकी कमेटी होती है, पूरा उसको देखा जाता है, पहले परखा जाता है कि ये चीज है भी कि नहीं है. देन दे माइट टेक, देन दे माइट, हाँ ये दे इंस्पेक्ट एंड दे नो, देन ओनली दे विल कम एंड प्योरीफाई दैट प्लेस एंड डू सम नीडफुल डन फॉर दैट पीड़ित परिवार के लिए. ऐसे नहीं है कि आपने बोला, वो एक बहुत हाईली एनलाइटेंड है. वो दीज पीपल आर वेरी हाईली एनलाइटेंड, जो पादरी और वहां के सारे हैं हमारे ऑनरेबल पोप जॉन, दे आर वेरी वेरी ऑनरेबल एंड वेरी वेरी हाईली लर्नड स्पिरिचुअली. तो वो ऐसे थोड़ी करेंगे जैसे आप कह रहे हो कि ले लेंगे. नहीं, वो पहले इंटरवीन करेंगे, वो खुद थोड़ी करेंगे. उनके पूरी टीम होती है, पूरा उनका एक 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 सोसाइटी होती है, वो उसको पहले देखती है. तो उनके तरीके हैं अपने, तब जाके अगर उस चीज के लिए एग्जॉर्सिज्म की जरूरत होती होगी तो वो लग करते होंगे. ऐसे नहीं है कि आप सीधा किसी ने बोला तो करना शुरू कर दिया. एग्जॉर्सिज्म इज अ वेरी हाई दैट थिंग.
हम अब होली वाटर भी जब हम बनाते हैं हम उसका भी एग्जॉर्सिज्म कर एग्जॉर्स उसका भी करते हैं, पूरा कॉन्सिक्रेट करते हैं पहले उसको पानी को हम, फिर सॉल्ट डाल के करते हैं कॉन्सिक्रेट, फिर हम साम्स पढ़ते हैं उसके ऊपर, साम 23 साम 37 बड़ा कॉमन है हम जो पढ़ते हैं उसमें, तो उसके बाद वो वाटर तैयार होता है जिसको हम यूज करते हैं, ऐसे होली सॉल्ट भी बनता है। मैम बहुत डेंस टॉपिक्स पे बात करी हमने अभी तक, थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया की तरफ आते हैं जो आजकल हम देखते हैं चलते हैं। तो एक आज की डेट में चलते हुए कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा इसको बूस्ट भी किया जा रहा है, एक टर्म है स्विच वर्ड। जैसे अभी रिसेंटली जो सबसे हिट स्विच वर्ड है जिसको बार बार देखा जा रहा है, दैट इज कॉन्वोलेक्सा। काउंटिंग मनी, क्या है स्विच वर्ड का क्या मतलब होता है, ये सच में काम करते हैं होते हैं, और एक एडिशनल वर्ड है डिवाइन कोड। ओके ये क्या है सिस्टम?